इसमें बटन लगाना हो, बटन लगाने के लिए सबसे पहले हम इस बॉक्स को वापस लेफ्ट हैंड से खींचेंगे, ये बाहर आ जाएगा। इस ढक्कन को खोलेंगे, ये हमारा बॉक्स पूरा खुल जाएगा। हाँ, आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा पूरा शटल का काम है। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पूरे बॉबिन केस का काम है, लेकिन अभी हमें बटन लगाना है, बॉबिन केस का काम नहीं है। तो ये जो लीवर दे रखा है, हाँ जी, इस वाले लीवर को हम नीचे करके राइड करेंगे तो जो हमारे फीट डॉग है, जिसे हम दांते कहते हैं, तो इस दांतों को नीचे हो जाते हैं, क्योंकि जब भी हम बटन लगाते हैं ना तो बटन आगे पीछे ना खिसके, हाँ जी, इसलिए हम इसको नीचे कर देते हैं। तो ये लीवर हमने यहाँ से नीचे करा और इसको राइट को करा, तो आप देखेंगे ये दांते हमारे नीचे हो गए। उसके बाद हम इसमें बटन फिक्स करेंगे, इसको बंद कर दिया और इसको वापस लगा दिया। काज जिससे हमने काज का बनाया था उसी से हम बटन भी लगाएंगे। इसी को वैसे लगाया और लीवर को डाउन करा, ये इस पर लग चुका है। जब हम बटन लगाएंगे तो बटन के लिए सबसे पहले बटन के लिए हम इसको बी पे रखेंगे। अब हमें लेंथ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेंथ हमने उसके जो दांते होते हैं वो हमने नीचे कर दिए हैं। तो अब हम इसको बी पे रखेंगे। बी के बाद कपड़े को हमने मशीन के यहाँ पे रखा, फुट पे जहाँ पे चलाना है। बटन को लिया बिल्कुल सीधा और बटन को तरीके से हम और इसको बिल्कुल बीच में सेंटर में यहाँ रख दिया। अब आप देखेंगे कि इसमें बटन के होल पूरे दिख रहे हैं। हाँ जी, होल पे जा। उसके बाद आप इसको जब भी फर्स्ट होल पे चले जाए तो उसके बाद हमें इसे बी से सी की तरफ मूव करेंगे, तो निडल भी हमारी हल्की हल्की मूव होती रहेगी। तो ये बी से सी की तरफ आ गया, तो ये हमारा नॉर्मली अब बटन इसमें चलेगा। तो ये हमने मूव करा, ये फर्स्ट और ये सेकंड हमारे दोनों होलों पे आ चुका है। उसके बाद हम पैर के प्रेशर फुट से एक्सीलरेटर चलाएंगे, तो एक दो बार चलाएंगे तो ये बटन्स के होल पे आ चुका है। हाँ जी, उसके बाद हम इस लीवर को उपटाएंगे और आगे वाले होल पे सेट कर देंगे। फिर एक बार अपने हाथ से चला के और इसको चलाएंगे तो ये दोनों होलों पे ऑटोमेटिकली जिगजैग करके लॉक कर चुका है। उसके बाद हम इसको निकालेंगे और थ्रेड को यहाँ पे कटिंग कर देंगे। आप ये देखेंगे कि इसमें बटन भी कंप्लीट लग चुका है। तो जैसे हमने यहाँ से वापस खोला, जैसे हमने पहले बॉक्स को निकाला था, हाँ जी, और इस बॉक्स को हमने यहाँ से वापस करा। हाँ, अभी हमें इसको वापस वैसे ही रखना है जैसे हम स्टिचिंग में काम में करते हैं। तो इस लीवर को वापस हम लेफ्ट ले आए और ऊपर को डाउन कर दिया। जब भी हम मशीन रनिंग करेंगे तो ये दांते ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे। या फिर आप इस व्हील को घुमा सकते हैं, इस व्हील को जब अपनी तरफ से घुमाएंगे तो ये टक की आवाज आएगी और दांते हमारे वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे जहाँ पे थे। अब मशीन में जब भी आपको दिक्कत या परेशानी आती है, ये कभी भी आपको लगे कि नीचे धागा फंस रहा है, सबसे पहले हम इस बॉबिन केस को पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पे सफाई करने का तरीका बहुत आसान है। ये दो ब्लैक स्क्रू दे रखे हैं, हाँ, एक को हम लेफ्ट करेंगे, दूसरे को हम राइट करेंगे। और यहाँ पे एक पिन दे रखी है, इस पिन को पकड़ के पूरा शटल हमारा ये बाहर आ जाता है। जब ये हमारा बाहर आ जाए तो यहाँ पे आप अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं। और जब भी आपको ऑयल डालना हो, इस शटल को सबसे पहले इस तरीके से लेंगे मैम और इसको रिटर्न यहाँ पे सीधा लगा देते हैं। सर ऑयलिंग कहाँ पर देनी है? ऑयलिंग बताता हूँ मैं, अभी पहले आपने ये लगाना है। हाँ जी, ऑयलिंग करने का सिस्टम भी समझाता हूँ। उसके बाद इसको इस तरीके से लिया शटल को और ये यहाँ लगा दिया। जब आपका ये यहाँ पे सेट हो जाए तो ये ब्लैक वाले स्क्रू से आप इनको लॉक कर दीजिए। हाँ जी, जब ये आपका लॉक हो जाए तो ऑयल सिर्फ हफ्ते 15 दिन में आपको सिर्फ यहाँ पे डालना है, वो भी 2 से 3 बूंद, ज्यादा नहीं डालनी। ओके, और यहाँ पे डाल के और आप खाली मशीन चला दो, आपका पूरा ऑयल यहाँ पे घूम जाएगा। ओके सर, फिर आप इस बॉबिन केस को वापस लगा सकते हैं इसी तरीके से और मशीन आपकी रनिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। पहला फुट लगाया जो हमारा सबसे पहले लगा हुआ था, अब हमें रफू करना है, कुछ भी चीज़ फट जाए तो, जैसे कुछ भी चीज़ है, जैसे सबसे पहले हमारा कोई कपड़ा वगैरह कुछ फटा हुआ है तो इस फटे हुए कपड़े को आराम से यहाँ पे रखेंगे बीच सेंटर में, दोनों लीवर के बीच में सेंटर पर रहेगा। और इसका एक्सीलेटर जो हमारा सिलेक्टर है वो रहेगा हमारा यहाँ पे डी पे, और लेंथ को जो हम माइनस करेंगे यहाँ पे माइनस पे। एक बार अपने हाथ से चलाएंगे ताकि फुट धागा ये टाइट कर ले और उसके बाद ये आराम से चलाता रहेगा। आप देखोगे जिगजैग करके आराम आराम से चलना, लेकिन जो कटा हुआ हिस्सा है वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे है और ये आपका रफू करता रहेगा। आप पिंक कलर का थ्रेड और पिंक कलर का कपड़ा लगाओगे तो नज़र नहीं आएगा, या अभी कंट्रास्ट है तो दिखेगा, इसलिए मैंने आपको कंट्रास्ट में दिखाया है ताकि नज़र आए। हमारा जो कटा हुआ हिस्सा था रफू हो चुका है पूरा। हाँ जी, तो ये चीज़ आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। ओके सर। हाँ जी, ये हमारी उषा कंपनी के मैम ये एडिशनल फुट भी आते हैं, ये पिन टक्स आते हैं, जैसे सूट वगैरह में कोई टक्स डालने हो इसके साथ डबल निडल आप ले सकते हो, डबल निडल के साथ ये आप पिनटक्स आराम से यूज कर सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी। इसके अलावा जैसे आपको कुशन कवर वगैरह पे या बेडशीट वगैरह पे
कोई 1/3/4 का आप किसी भी डोरी इस पर लगा के आराम से चला सकते हैं। तीन डोरी इस पर वन टाइम में लगती है, आप वन टाइम में इसे चला सकते हो। इसके बाद आपने देखा होगा बाइंडर फोर, जैसे ब्लाउजों में या सूट वगैरह में कोई भी डोरी बनी होती है, एडिशनल कपड़ा जोड़ा होता है, तो आप इसके तरीके तो इसको ले लिए तो इसके साथ आप चला सकते हैं। कोई भी नया कस्टमर हो या कोई भी नया बंदा हो चलाने वाला इसको मशीन को, स्टिचिंग अगर आपकी सीधी नहीं आ रही है तो ये 1/4 इंच का ये आता है हमारा सिम फुट, आप इसको जब मशीन पे अटैच करेंगे तो आपकी स्टिचिंग ऑटोमेटिकली सीधी ही आएगी। ये चीज़ भी आप इसके साथ मशीन के साथ परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्काउंट के साथ दिया जाता है। अगर आप ऑफिशियली कॉस्ट देखते हैं इनकी तो मोटा मोटा ये 8,500 के करीब पड़ता है, लेकिन अगर आपको डिस्काउंट पूरा लेना है सेट के साथ तो 45% डिस्काउंट है। अगर आप एक या दो कोई फुट लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट है, 1 फुट पे 10% डिस्काउंट आता है। सर टोटल कितना फुट है इसमें? टोटल इसमें अगर पूरी किट लेते हैं तो 10 फुट आते हैं, और अगर 10 फुट का डिस्काउंट देखते हैं तो 45% डिस्काउंट करके आपको मिलता है, ये आपको 4,500 रुपए के पूरे फुट मिलते हैं। ओके, और अगर आप सिंगल डबल लेते हैं तो 1 फुट की कॉस्ट जो भी आती है 500, 600 या 800, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा 10%। दो लेते हैं तो 15%, इसमें अलग अलग डिस्काउंट है हर फुट के साथ। ओके सर, जैसे हमें कोई चुन्नट या कुछ डालनी है बच्चों के कपड़ों में या अपने कोई भी सूट वगैरह में, तो ये गैदरिंग का फुट आता है, गैदर फुट चुन्नट डालने के काम आता है, ये भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। नॉर्मली लगाना भी आसान है, निकालना भी आसान है। इसके बाद हमारा ये डार्निंग फुट आता है, डार्निंग फुट जो होता है इसमें हम रफू भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एम्ब्रॉयडरी करनी हो तो इसको हम एम्ब्रॉयडरी में भी यूज कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें आप इसमें यूज आराम से इजीली यूज कर सकते हैं। फिर ये हमारे पाइपिंग फुट आता है, पाइपिंग फुट आप आराम से लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर बाहर डोरी अगर आप लगाना चाहें तो घर पे खुद लगा सकते हैं, मार्केट में ना लगाने के बढ़िया आप अपने घर पे खुद यूज कर सकते हैं इस मशीन के साथ। और बहुत इजी है इनको चलाना और लगाना, प्लस इसके हम डेमो ट्रेनिंग पूरी देती है कंपनी, हम लड़के को 2 बार भेजती है इन सारे फुटों की ट्रेनिंग के लिए।